हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर एक बार फिर से सभी का स्वागत है। और यहाँ पर एक गुड न्यूज आने वाली है दोस्तों, यहाँ पर कुछ ही दिनों में आपके सामने सेकंड ग्रेड भर्ती को लेकर, क्योंकि रीट भर्ती को दबाने के लिए राज्य सरकार आरपीएससी को दिशा निर्देश दे रहा है कि सेकंड ग्रेड भर्ती की वैकेंसी जल्दी निकाली जाए, जल्दी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। दोस्तों यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहता है उसके लिए महत्वपूर्ण अपडेट मैं बता देना चाहता हूँ कि आरपीएससी की साइट पर यहाँ पर सिलेबस दे रखा है, सिलेबस जारी हुआ है दोस्तों। यहाँ पर आपका यानी कि जो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है आपका फर्स्ट पेपर यानी कि हिंदी इंग्लिश उर्दू संस्कृत यहाँ पर सामाजिक अध्ययन का और आपका फर्स्ट पेपर जो कि सामान्य जीके का लगने वाला है दोस्तों, यहाँ पर सबका नोटिफिकेशन यहाँ पर डल चुका है। तो सबसे पहले देखिएगा फर्स्ट पेपर की हम बात करते हैं, तो जिसमें सबसे पहले फर्स्ट पेपर होगा आपका जीके का होगा जो कि सभी अभ्यर्थी को वो तो देना होगा, जिसमें आपसे पूछी जाएगी राजस्थान की कल्चर हिस्ट्री और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये सभी तीन पार्ट होंगे उसमें और साथ में राजस्थान का करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों यहां पर। इसके बाद आपकी जो सेकंड है जो यहां पर सब पेपर होगा आपका जो भाषा का होगा, चाहे आप हिंदी हो आप है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे आप एसएसटी हो, तो दोस्तों यहां पर इससे जो सिलेबस जारी किया गया है आप लोगों के लिए सेकंड ग्रेड का वो आपको आरपीएससी की साइट पर मिल जाएगा। और यहां पर प्रत्येक अंक दे रखे है कितने नंबर का होगा, कितने वो दे रखा है, ये इंग्लिश में दे रखा है दोस्तों यहां पर आरपीएससी की साइट में, मैं लेकिन आपको इसको हिंदी में करके क्लियर कंफर्म करके पूरा डिटेल में बताना चाहता हूं दोस्तों यहां पर। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी रिट भर्ती के जो भ्रष्टाचार हुआ था रिट भर्ती में उसको दबाने के लिए आरपीएससी को जल्द ही राज्य सरकार यानी कि राज्य सरकार जल्दी दिशा निर्देश देगी और यहां पर आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड का यानी कि आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। अभी हाल में यह पता नहीं है कि कितनी वैकेंसियों का यह नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन जो पहले आदेश जारी किए गए थे आप लोगों के लिए कि 10,000 सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड यानी कि टोटल हो सकती है यानी कि 20,000 प्लस वैकेंसी आपकी हो सकती है। तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी करना चाहता है यहां पर यानी कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की दोस्तों यहां पर, अब देखिएगा सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है आपका यानी कि फर्स्ट पेपर जो आपका लगने वाला है वो हिंदी का होगा, जिसमें देखिएगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम पैटर्न 2021 पेपर नंबर फर्स्ट, जिसमें देखिएगा प्रश्न पत्र अधिकतम अंक होंगे आपके यानी कि 200 अंकों का होगा, फर्स्ट पेपर आपका 200 अंकों का होगा, जिसमें टोटल प्रश्नों की संख्या आपसे 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब ये 100 प्रश्न है और ये माइनस मार्किंग देखिएगा इसमें 1/3 माइनस मार्किंग आपकी होगी दोस्तों यहां पर, इन चीजों को ऐड कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा यहां पर आरपीएससी सेकंड ग्रेड यानी कि एग्जाम पैटर्न एग्जाम, अब देखिएगा यहां पर प्रत्येक जो आपका यहां पर जो पेपर होने वाला है जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला एवं संस्कृति और सामान्य ज्ञान, टोटल प्रश्न आपके 80 यहां पर 40 प्रश्न होंगे और जो नंबर होंगे यहां पर 80 नंबर होंगे, तो 80 नंबर आपको राजस्थान जीके से निकल के आ जाएंगे दोस्तों यहां पर। और यहां पर देखिएगा राजस्थान का करंट अफेयर रिट में राजस्थान का करंट अफेयर ना यहां पर आपको इंडियन करंट अफेयर देखने को नहीं मिला था, लेकिन आरपीएससी सेकंड ग्रेड में यह आपको मिलेगा, जिसमें आपसे 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और यहां पर 20 जो मार्क होंगे जो नंबर होंगे वो 20 मार्क होंगे यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का होगा आपका। इसके बाद देखिएगा विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान होगा, जिसमें आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 60 नंबरों का होगा दोस्तों यहां पर। इसके बाद शैक्षणिक मनोविज्ञान के जो 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और यहां पर 40 अंकों का होगा, टोटल बात करें तो यहां पर 200 अंकों का ये प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे यानी कि फर्स्ट पेपर की मैं आपसे बात कर रहा हूं। और इसमें देखिएगा एक एक जो यूनिट यहां पर मैं बता रहा हूं दोस्तों यहां पर, उस यूनिट को कवर कर लीजिएगा अभी भी आपके पास टाइम है दोस्तों यहां पर। तो यहां पर देखिएगा सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर का जो यूनिट है, पहला होगा राजस्थान की सामान्य स्थिति, जलवायु, जल निकास जिसमें नदियां, झीलें और ये बांध है सब चीज आ जाएंगी, और वनस्पति, और यहां पर कृषि, पशुपालन, देखिएगा पशुपालन वाला जो चैप्टर था वो आपका रिट में नहीं दे रखा था और यहां पर सेकंड ग्रेड में दे रखा है, डेयरी विकास वाला यहां पर रिट में नहीं था यहां पर दे रखा है, जनसंख्या वितरण रिट में था और ये दे रखा है, यहां पर विकास और साक्षरता दे रखा है, लिंग अनुपात, धार्मिक संरचना यहां पर ये दे रखा है,
व्यवसाय, उद्योग, योजना, बजटीय रुझान और प्रमुख पर्यटन, ये तो आपके दे रखा है। इसके बाद इतिहास में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इतिहास में जो अपन ने यानी कि रिट में तैयारी की थी वही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यहाँ पर पूरे एनसीईआरटी और आरबीएसई सिलेबस पर आधारित है, लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट यानी कि बढ़ाए गए, जैसे लोक देवियां है, पशुपालन है, ये सभी। अब देखिएगा यहाँ पर एक एक चीज को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा कला एवं संस्कृति से आपसे पूछे जाएंगे, लोक देवा और देवी देवतियां, लोक देवता और देवियां यहाँ से पूछी जाएंगी, राजस्थान के संत आपसे पूछे जाएंगे, कला स्थापित कला आपसे पूछी जाएगी, चित्रकला आपसे पूछे जाएंगे, त्यौहार आपसे पूछे जाएंगे, लोक संगीत नृत्य आपसे पूछे जाएंगे, भाषा साहित्य आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिएगा राज व्यवस्था में आपके ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर इनको कवर कर लीजिएगा। मैं प्रथम यूनिट अब यानी कि एक दो दिन में जारी करने वाला हूँ राजस्थान की स्थिति विस्तार सेकेंड ग्रेड के लिए दोस्तों, यहां पर अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो बने रहिए, क्योंकि आपका YouTube चैनल यानी कि 1 लाख स्टूडेंट कवर करना करने वाला है दोस्तों। यहां पर अभी जो स्टूडेंट हो चुके हैं वो 99,900 यानी कि 9 हो चुके हैं दोस्तों यहां पर टोटल, और बस कुछ ही छात्र और घट रहे हैं दोस्तों यहां पर। ये जैसे ही 1 लाख का टारगेट कंप्लीट होगा यहां पर पहला यूनिट आपके सामने अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों यहां पर। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ दोस्तों यहां पर। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर करंट अफेयर जो आपसे पूछी जाएंगी वो राजस्थान से संबंधित समय की घटना, खेल कूद, राजनीतिक से संबंधित पूछी जाएगी। विश्व सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा, ये जो विश्व के सामान्य ज्ञान है सेकंड ग्रेड में ये आपसे पूछा जाएगा। भारत का सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा, जो आपका राजस्थान के संदर्भ में वही भारत के संदर्भ में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा मनोविज्ञान शिक्षण विधि में ये आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आपका रिट में देखने को मिला वही चीज आपको मनोशिक्षण विज्ञान में आपको मिलेगी। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपका जो सेकंड पेपर होगा वो आपकी भाषा को लेकर होगा, जो यानी कि आपकी सब्जेक्ट है, चाहे आप हिंदी है, चाहे आप इंग्लिश है, चाहे आप उर्दू है, चाहे आप संस्कृत है, चाहे आप यहाँ पर सामाजिक अध्ययन है, उसमें आपको यहाँ पर दिख लीजिएगा। और सबसे पहले आपको विजिट करना होगा आरपीएससी की साइट पर, और आरपीएससी की साइट पर वो सिलेबस की लिंक है, वो मैं इस वीडियो के नीचे डालने वाला हूं दोस्तों यहां पर। आप लिंक ओके करके आप डायरेक्ट आरपीएससी की सिलेबस की साइट पर पहुंच जाएंगे, और वहां पर प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अभी से तैयारी कर लेनी है दोस्तों यहां पर। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों यहां पर, रिट को आपको नहीं भूलना है, रिट के लिए आपको आंदोलन करना है, बड़ा आंदोलन करना है दोस्तों यहां पर बहुत जल्द, क्योंकि रिट की भर्ती में बहुत अधिक भ्रष्टाचार हुआ है दोस्तों यहां पर। और राज्य सरकार को हम ये मानने के लिए मंजूर कर देंगे कि रिट की भर्ती या तो दोबारा हो या फिर कुछ नियम कायदे कानून बने, ताकि अभ्यर्थियों को इस तरह भ्रष्टाचार के चंगुल में ना फंसना पड़े दोस्तों यहां पर। तो हमारे साथ साथ दीजिएगा दोस्तों यहां पर, और प्रत्येक युवा प्रत्येक जिले में अपनी भूमिका निभाइएगा दोस्तों यहां पर। प्रत्येक जिला कलेक्टर को आप अपना एक ज्ञापन जरूर दीजिएगा दोस्तों यहां पर, एक सद्भावना तरीके से एक रैली निकालो, संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए उस रैली के तहत दोस्तों यहां पर। 100 से अधिक स्टूडेंट, अगर आप प्रत्येक जिले में यह रैली निकालोगे तो वहां पर राज्य सरकार आपकी यह बात जरूर सुनेगी, अगर तब भी नहीं सुनती है दोस्तों यहां पर तो लास्ट हमारे पास एक तरीका है जो कि संविधान ने हम लोगों के लिए दे रखा है, यानी कि कोर्ट का दरवाजा, और कोर्ट का दरवाजा हम यानी कि खटखटाने वाले हैं दोस्तों यहां पर बहुत जल्दी। और कोर्ट ये बिल्कुल यानी कि मानने को तैयार हो जाएगा कि पेपर आउट हुआ है, हमारे पास पूरे सबूत है दोस्तों यहां पर। 15,000 स्टूडेंट आप लोगों ने, 15,000 स्टूडेंटों ने हमें कमेंट बॉक्स में दिया है कि यानी कि 37%, देखिएगा 3,000 से अधिक सेंटर बनाए गए थे जिनमें से 37% सेंटरों पर गड़बड़ी हुई थी। अब मैं बता दूं गड़बड़ी क्या हुई थी, अभ्यर्थियों के क्या कमेंट आए हुए हैं दोस्तों यहां पर गड़बड़ी को लेकर। तो देखिएगा पहले जो अभ्यर्थी सबसे ज्यादा जो गड़बड़ी मान रहे हैं कि यहां पर पेपर सबसे पहले खुला था, यानी कि पेपर खुला हुआ था दोस्तों यहां पर आपके एग्जाम हॉल में आपके पास आने से पहले। कुछ अभ्यर्थियों का यह कहना है कि हमसे सिग्नेचर नहीं करवाए थे जब पेपर खोला गया था, क्योंकि डायरेक्ट हमको पेपर दे दिया गया था। पहली ये, दूसरा है गंगापुर सिटी में यानी कि पेपर 8:32 पर यानी कि मोबाइल पर पहुंच गया था, नेट पर पहुंच गया था दोस्तों यहां पर। तीसरा जो यहां पर भ्रष्टाचार हुआ है इस भर्ती में, तीसरा ये हुआ है कि जो भी टीचर है वो यहां पर एग्जाम सेंटर में किसी अभ्यर्थी को अलग से रूम में पेपर हल करवा रहा था। दूसरा यहां पर यह है कि देखिएगा डिवाइस का प्रयोग किया था, चप्पलों का प्रयोग किया था यहां पर, और यहां पर यह
प्रूफ हमारे साथ साफ है, पूरा हमारे साथ है प्रूफ है बिल्कुल कि कहां कहां पर क्या है, तो कोर्ट तो ये मानने को तैयार हो जाएगा, बिल्कुल कोर्ट आपके पक्ष में रहेगा, प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में कोर्ट रहने वाला है दोस्तों यहां पर। तो देखिएगा जैसे ही हमारे 1,00,000 स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, हम पहला यूनिट डाल देंगे, पहले यूनिट में प्रश्नों की संख्या होगी दोस्तों यहां पर आपके 250 प्रश्न होने वाले हैं, 250 प्रश्न आपके लिए, यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चाहे आप सेकंड ग्रेड, देखिएगा सेकंड ग्रेड की अगर तैयारी करते हो और साथ में ही कुछ निचली एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, तो आपको सेकंड ग्रेड की एग्जाम के ये यूनिट अगर आप पढ़ लोगे तो पटवार हो चाहे बंदक्षक बनपाल राजस्थान पुलिस, वो तो आपकी नॉर्मल कवर होते ही चली जाएगी दोस्तों यहां पर। तो बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और प्लीज दोस्तों यहां पर आरपीएससी की साइट पर विजिट करके आप यहां पर अपना सिलेबस डाउनलोड कर लो, प्रत्येक सिलेबस में क्या क्या चीज दे रखा है उसको अच्छे से पढ़ लो, और मैं आपको बहुत जल्द पहला यूनिट यहां पर डालने वाला हूं। सब्सक्राइब का बटन नीचे दे रखा है दोस्तों यहां पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत जल्द मात्र और मात्र कुछ ही स्टूडेंट और घट रहे, 1,00,000 का टारगेट आपका अपना यूट्यूब चैनल बहुत जल्द यानी कि कुछ ही घंटों में यानी कि यहां पर अचीव करने वाला है, अगर आपका साथ रहा तो पूरा यानी कि फ्री में पूरा सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है लगभग उसमें यानी कि 200 से 200 इंडियन जीके हो, नेशनल जीके हो, राजस्थान जीके हो, वर्ल्ड जीके हो, 200 यूनिट दे रखे हैं, 200 यूनिट को मैं आपको इस तरह से बता दूंगा दोस्तों यहां पर जिस तरह से रेट में मैंने आपको बताया था। तो देखिएगा नीचे यहां पर सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, लाइक का बटन दे रखा है दोस्तों यहां पर, और शेयर का बटन दे रखा है। जो भी अभ्यर्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, आरपीएससी की तैयारी कर रहा है दोस्तों यहां पर, वो जुड़ जाइएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ दोस्तों यहां पर। और प्लीज अपने कॉमेंट जरूर बताइएगा आप हम लोगों के लिए कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट जल्दी चाहिए,